प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछले कक्षाओं में संधि, उनके भेद आदि के बारे में जान चुके हैं और संधि के कुछ भेदों के बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं अथवा जानवा समझ चुके हैं और संधि के कुछ भेद अब भी बचे हुए हैं। तो उन्हीं बचे हुए संधि के भेदों में से आज हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वृद्धि संधि क्या होता है और वह किस प्रकार से स्वरों में बदलाव ला देते हैं। तो आइए अब हम वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर दो कहे गए हैं, ऐ और औ, आ आ के बाद ए ऐ स्वर आने पर दोनों के मेल से ऐ होगा और ओ औ आए तो औ होगा। जैसे नंबर वन, आ कोई मात्रा नहीं के साथ ए, जिसकी मात्रा इस प्रकार होती है, दोनों जुड़ने पर ए बनेंगे और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे एक एक, दोनों मिलने पर एक एक नए शब्द बनेंगे। टू, आ कोई मात्रा नहीं ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं, दोनों जुड़ने पर ए बनेंगे और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे मत एक्य, दोनों जुड़ने पर मतेच्य नए शब्द बनेंगे। थ्री, आ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, ए की मात्रा इस प्रकार, दोनों जुड़ने पर ए बनेंगे और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे तथा एव, दोनों जुड़ने पर नए शब्द तथेव बनते हैं। फोर, आ की मात्रा के साथ ए की मात्रा, दोनों जुड़ने पर ए बनेंगे और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे राजा ऐश्वर्य, दोनों जुड़ने पर राजेश्वर्य नए शब्द बनते हैं। फाइव, आ कोई मात्रा नहीं ओ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, दोनों जुड़ने पर औ बनते हैं और औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे जल ओक, दोनों जुड़ने पर जलोक नए शब्द बनते हैं। सिक्स, आ कोई मात्रा नहीं के साथ औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जुड़ने पर भी औ ही बनेंगे और औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे वन औषधि, दोनों जुड़ने पर वनौषधि नए शब्द बनते हैं। सेवन, आ की मात्रा इस प्रकार होते हैं और ओ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, दोनों जुड़ने पर भी औ ही बनेंगे और औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे महा ओज, दोनों जुड़ने पर नए शब्द महोज बनते हैं। ए, आ की मात्रा इस प्रकार होते हैं के साथ औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, दोनों जुड़ने पर औ बनेंगे और औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे महा औसत, दोनों जुड़ने पर
महौसत नए शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार हम संधि के भेदों के बारे में पिछले कक्षाओं में भी जान व समझ चुके हैं और आज हम वृद्धि संधि के बारे में भी जान चुके हैं कि इस संधि में किस प्रकार के बदलाव आते हैं और किस प्रकार के बदलाव संभव है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यदि थोड़ी सी भी कोशिश करें तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अवश्य ही कोशिश करेंगे और समझ भी जाएंगे। और समझना जरूरी भी है क्योंकि इस पाठ के समाप्ति पर हम कुछ गृह कार्य अथवा वर्कशीट भी करेंगे और उस समय इसका ज्ञान आप लोगों को सहायता करेंगे अर्थात आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।